उड़ारी ऑफ फेम प्रियंका चहर चौधरी इस वक्त चर्चा में हैं। वह बिग बॉस 16 में नजर आ रही हैं और घर में आवाज बुलंद करने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि फिलहाल वह रोती भी लगती दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनका और अंकित का पंगा चल रहा है। उन्होंने बीते एपिसोड में बताया था कि कैसे वह सही करने के चक्कर में गलत होती जा रही हैं। अंकित भी उन्हें नहीं समझ रहे हैं। खैर, अब उनके भाई ने मेकर्स पर आरोप लगाया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और बताया है कि कैसे उन्हें नेशनल टेलीविजन पर ताना मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मेकर्स बुली कल्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और सभी से अच्छा रहने के लिए कह रहे हैं। प्रियंका चहर चौधरी के भाई योगेश चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी किया और लिखा, परी दीदी उन सबसे मजबूत लोगों में से एक हैं जिनसे आप कभी भी मिले होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन उसे ऐसे ही तोड़ते रहें। भले ही आप देखें कि वह एक मुस्कान के साथ सब कुछ ले रही हैं, अब वह मानसिक रूप से परेशान हो गई हैं। उसे घेरना, धमकाना और नेशनल टीवी पर ताना मारना वैसा ही है जैसे आप किसी बुली कल्चर को ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में बुली करने वाले जीतते नहीं हैं, उन्हें सजा मिलती है, नेक दिल वाले ही जीतते हैं। यह अब उनके बस की बात नहीं है, यह इस बारे में है कि आप हमारे समाज के लोगों को कौन से बहुमूल्य वचन और संदेश भेज रहे हैं। प्रियंका के भाई के इस स्टेटमेंट के बाद फैंस भी कमेंट सेक्शन में कूद पड़े हैं। उन्होंने भी प्रियंका का बचाव करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, आपको ये मेकर्स को भेजना चाहिए, तो एक ने प्रियंका के पेरेंट्स की ही तारीफ कर दी। लंबे चौड़े नोट में लिखा, मैं आपके पेरेंट्स को शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी कमाल और इज्जत के साथ बेटी को बड़ा किया। ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रियंका चहर चौधरी कितनी भी लड़ाई लड़े, कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघती। हम सभी को परी से प्यार है। वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।